दोस्तों हमारे पास एक लैपटॉप है एसर का E15। आज हम इस लैपटॉप में एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, बट उस प्रॉब्लम के लिए हमें पूरा लैपटॉप डिसमेंटल करना होगा। तो मोस्टली हमें दिक्कत आती है कि हम लैपटॉप की रैम रिप्लेस करना चाहते हैं या प्रोसेसर बदलना चाहते हैं। तो आजकल लैपटॉप बड़े कॉम्पैक्ट आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पूरा लैपटॉप हमें ओपन करना पड़ता है, पूरा लैपटॉप हमें खोलना पड़ता है। उसके लिए हमें ये सब काम करने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले इस लैपटॉप को डिसमेंटल करने से पहले इसे शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन जैसे ही आप इसे करेंगे, उसके बाद आप इसको इसकी बैटरी को सबसे पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा। और इस काम के लिए आपको सबसे पहले एक स्क्रू ड्राइवर किट चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि प्रॉपर जो नट है सब कुछ प्रॉपर वे से खुलें। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी बैटरी को ऐसे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए, ये एक लैपटॉप है एसर का, मॉडल नंबर है E5511। इस लैपटॉप को मोस्टली लैपटॉप ऐसे ही ओपन होते हैं। ये पूरा लैपटॉप की हम स्क्रीन नहीं खोलेंगे, बाकी इसका नीचे वाला पार्ट पूरा हमें ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बैक साइड पर हमने बैटरी रिमूव कर दी है। अब स्क्रू ड्राइवर से हम इसके स्क्रू को अनप्लग करेंगे। सबसे पहले हमें इस स्क्रू को अनप्लग करना पड़ेगा जिससे सीडी रोम बाहर आएगा। ये हम इस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस नट को ओपन कर रहे हैं। इस नट को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारा तो ये हमने एक स्क्रू ओपन किया और हमारा सीडी रोम डिसमेंटल हो गया। तो इस सीडी रोम को साइड में रख देते हैं। अब हम जिसके जितने भी स्क्रू हैं उनको सबको रिमूव कर लेंगे, जितने भी स्क्रू है। ध्यान रहे ये लैपटॉप वारंटी में नहीं होना चाहिए, वरना जैसे आप स्क्रू अनप्लग करेंगे तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़, लैपटॉप को जब आप ओपन करेंगे तो इसके सभी स्क्रू रिमूव होने चाहिए। एक भी स्क्रू अगर आप भूल गए रिमूव करना तो आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो टूट भी सकता है। तो ये ध्यान रखिए जितने भी स्क्रू है, कुछ स्क्रू लोगों के नीचे, जैसे ये एसर के लोगों के नीचे का स्क्रू है एक, ये वाला, इन स्क्रू को आप रिमूव जरूर कीजिए। ये वाले स्क्रू हमेशा रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे स्क्रू होते हैं इसको पूरी तरह से करने के लिए। तो हम विस्तार में आपको लैपटॉप ओपन करेंगे, इसके सारे पुर्जे दिखाएंगे। तो हम जैसे हम इसके सारे स्क्रू ओपन करने जा रहे हैं, तो कंटिन्यू जितने भी स्क्रू है सभी को यूज़ कर रहे हैं। और ध्यान रहे सभी के सभी स्क्रू रिमूव हो जाने चाहिए, वरना जब आप इसको अनलॉक करेंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ का मेन ध्यान रखना है कि एक भी स्क्रू रह ना जाए डिसमेंटल करते वक्त। A to Z जितने भी स्क्रू है वो रिमूव हो जाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। जैसे हम इसको यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो इसके सारे स्क्रू बाहर आ जाएंगे। तो जैसे कि हमने इसको अभी अनप्लग किया तो हमारे सभी स्क्रू निकल गए हैं। ध्यान रखिए, दोबारा से चेक कीजिए, कोई भी स्क्रू रहना नीचे, जैसे ये एक स्क्रू रह गया, इसको अनप्लग में देखिए हमारे सभी के सभी स्क्रू निकल जाने चाहिए। अगर कोई रहता है तो उसको ध्यान से देख लीजिए, एक भी स्क्रू रहना नहीं चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। एक भी स्क्रू रह गया तो समस्या है। आराम से एक एक स्क्रू को देखिए, एक भी स्क्रू रहना नहीं चाहिए अंदर।
लगभग हमने सभी स्क्रू को ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो सभी स्क्रू जैसे ही आपके ओपन हो जाएंगे तो लैपटॉप की स्क्रीन को ओपन कीजिए और इस लोकेशन से आप लैपटॉप को, ये अभी भी स्क्रू ओपन होने के बाद भी लॉक कंडीशन में अवेलेबल है, तो इसके लिए हम माइनस वाले बिट का इस्तेमाल करेंगे इसके लॉक्स को अनप्लग करने के लिए। इस तरह की बिट लीजिए और इसके सभी लॉक्स को अनप्लग करना शुरू कर दीजिए। बड़ी केयरफुली ऐसे आपके लॉक्स अनप्लग होने शुरू हो जाएंगे। ये हमारे सभी लॉक्स ऐसे धीरे धीरे बड़े प्यार से, काफ़ी नाजुक लॉक्स होते हैं इसके, कोई भी नुकसान ना हो, बड़े आराम से। और इसको ज़्यादा टॉप तक ओपन नहीं करना है वरना इसके नीचे की जो वायरिंग है वो भी ख़राब हो सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसको बड़े प्यार से बेहद ही प्यार से इसके सभी लॉक्स को, स्क्रू तो हमारे अनप्लग हो गए हैं बट अभी भी इसकी लॉकिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो इसको बड़े प्यार से आराम से इसके जब सभी लॉक्स अनप्लग हो जाएंगे तभी ये निकलेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और यहाँ नीचे की तरफ हम आपको दिखा दें, यहाँ देखिए कुछ वायरिंग इसमें लगी हुई है, तो इसको ज़्यादा ओपन ना करें कि वायरिंग ना टूट जाए आपकी, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अभी भी यहाँ कुछ लॉक्स, ये देखिए बड़े प्यार से निकल जाएंगे पर जोर नहीं लगाना है, बड़े प्यार से करते रहिए, इसके सारे लॉक्स अनप्लग हो जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए यहाँ से ये सभी रिमूव्स हो गए हैं लगभग बड़े प्यार से, शायद कोई स्क्रू तो नहीं रह गया, देखिए ये देखिए जी है ना प्रॉब्लम। मैंने पहले भी बार बार कहा था कि एक भी स्क्रू रहना नहीं चाहिए, एक स्क्रू रह गया ना, अभी अभी हम इसको जोर लगाएंगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। ये देखिए ये एक स्क्रू अभी पेंडिंग था, अभी हम इसको जोर लगाते तो नुकसान हो जाता, लैपटॉप क्रैश हो जाता, क्योंकि बहुत सारे नट होते हैं इसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी भी इसको बड़े प्यार से रखना है क्योंकि इसकी वायरिंग अभी अनप्लग नहीं की हमने। ये देखिए नीचे की तरफ सबसे पहले ये वाली वायर माउस के लिए है, इसको यहाँ से प्लग करेंगे और ये अनप्लग हो जाएगी बड़े प्यार से। इसके बाद सेकंड वायर है शायद पावर पॉइंट की, इसको भी अनप्लग कर देते हैं, और थर्ड है कीबोर्ड की हमारे, ये भी अनप्लग कर देते हैं, तो ये हमारा लैपटॉप अनप्लग। देख लीजिए ये पूरा बाहर आ गया, तो ज़्यादा लंबे चौड़े गेम नहीं है बट सभी काम बड़े केयरफुली वे से करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है जी, बड़े केयरफुल वे से कीजिए, ये अनप्लग हो जाएगा और ये आपके सामने है जी। तो अब आपको आगे इसके बारे में बता दें, ये हमारा लैपटॉप है, ये हमारी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ये एक्सटर्नल यूएसबी के दो पॉइंट का लॉजिक कार्ड है, ये हमारा मदरबोर्ड है, यहाँ इसके डाउन साइड में प्रोसेसर लगा है, ये प्रोसेसिंग फैन है जो इसकी हीटिंग को कम करता है, ये वीजीए केबल है जो इस डिस्प्ले का डिस्प्ले प्रोवाइड करती है, ये वाली इसकी पावर केबल है जिससे इसको पावर जाती है, ये चार्जिंग स्लॉट है जो आके यहाँ लगा हुआ है। इसी स्लॉट को अगर और ओपन करेंगे तो इसके नीचे रैम लगी हुई है, हार्ड डिस्क साइड में लगी हुई है, इसको अनप्लग कीजिए, हार्ड डिस्क निकल जाएगी दो स्क्रू खोल के, और इसको इसके दो स्क्रू खोलेंगे तो बोर्ड बाहर आ जाएगा, इसके डाउन साइड में रैम लगी हुई है। तो ये था एसर का पूरा डिसमेंटल, जो हमने केबल निकाली थी, यहाँ से हमने माउस सेंसर की केबल निकाली है, यहाँ से हमने कीबोर्ड की निकाली है, यहाँ से इसका पावर बटन, ये तीन केबल्स इसमें लगी हुई है, ये पावर बटन है जी हमारा, इसकी केबल, ये हमारा माउस है और ये हमारा कीबोर्ड है, तीन केबल्स। तो अब हम इसे दोबारा असेंबल करने जा रहे हैं, यहाँ देखिए वो तीनों कनेक्शन मैंने फिर से प्लग कर दिए हैं, तो तीन कनेक्शन हमारे डिसमेंटल हुए थे, तीनों के तीनों हमने लगा दिए हैं, तीनों तारें प्लग कर दी है, कोई भी तार हटी हुई नहीं है, और अब हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है जी। तो
अब क्या करना है, इसको दोबारा से यहाँ बड़े प्यार से प्लेस कर दीजिए। और यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, हमने इसे चेकिंग के लिए ऑन कर लिया था, तो अब हम इसे शट डाउन करते हैं और इसकी बैटरी एक बार निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब इसे डिसेंबल असेंबल करते हैं तो बैटरी लगी नहीं होनी चाहिए। तो हमने सारी तारें लगा के बैटरी से इसको ऑन इसलिए किया था कि हम सभी तारों के वर्किंग स्टेटस चेक करना चाह रहे थे कि वर्किंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारी सभी तारों ने बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क किया। अब हम इसके लॉक लगाएंगे। अभी भी लैपटॉप वर्किंग में, देखिए बैटरी चल रही है, शट डाउन नहीं हुआ, अभी प्रॉपर शट डाउन हो गया। तो हमें एक बार इसको बंद करेंगे और हम इसकी बैटरी को निकाल देंगे। हमने बैटरी निकाल दीजिए। अब हम देखते हैं इसका, ये हमने इसको वापसी खोल लिया और अब देखिए इसके जो कनेक्शन थे वो एक बार दोबारा देख लेते हैं। सभी कनेक्शन हमने प्रॉपर वे से लगा दिए हैं, ठीक है जी। अब हम इसे बंद करने जा रहे हैं, ये हमने बंद कर दिया। अब इसके सभी लॉक्स यहाँ से दबा दीजिए ताकि ये लॉक्स कंडीशन में आ जाए वापसी पहले की तरह। इसके सारे लॉक्स दबाने के बाद आप जैसे इसके स्क्रू टाइट करेंगे साइडों से पहले इसे देख लीजिए, प्रॉपर लॉक हो गया सारी जगह से, कहीं से फूला हुआ या कोई केबल तो नहीं बीच में अटक गई, तो सभी तरफ से लॉक कंडीशन में होना चाहिए। अब आपके जो स्क्रू थे एक एक करके वन बाय वन इसको टाइट कर दीजिए, और कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी काम करना है अपने। तो हम इस नट को यहाँ लगाते हैं मान लीजिए, उसके बाद इसे स्क्रू से टाइट कर देते हैं। ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि फिर ये कभी खोलना पड़ा तो ये ख़राब करें, उससे मैं दिक्कत दे। ध्यान रखिए बड़े प्यार से सभी स्क्रू को लगा दीजिए। जितना भी स्क्रू है जब तक टाइट हो तब तक कीजिए, उसके बाद धक्का मत कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम टाइट कर देंगे तो कभी दोबारा ओपन करना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी जी। जहाँ तक स्क्रू जाता है उतना ही टाइट कीजिए उसे। तो ये हमने सभी के सभी स्क्रू इसके टाइट कर दिए जी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि इन फ्यूचर हम जो भी कोई वीडियो आपके लिए लेकर आए वो आप तसल्लीपूर्वक देख सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी वीडियो ला सकेंगे और इन फ्यूचर भी और वीडियो भी आपके लिए लाएंगे बेटर आईटी सॉल्यूशन के लिए। ये हम सीडी रोम वाला लास्ट में लगा रहे हैं, इसमें प्लग किया, उसके बाद हमने ये स्क्रू भी टाइट कर दिया। ये सीडी रोम का स्क्रू होता है लास्ट, तो हम इसकी बैटरी लगाएंगे। सभी स्क्रू हम टाइट कर चुके हैं, हमने बैटरी इसमें प्लेस कर दी। अब हम इसे चला कर देखते हैं। अच्छा, ऑन करेंगे और ये ऑन हो गया जी लैपटॉप, एसर आ गया। तो हमने इसमें बेसिकली की कल इसमें रैम डाली थी, उसके बाद से इसके कीबोर्ड की एक दो की बंद हो गई थी, तो कुछ डस्ट की वजह से इसमें लैपटॉप में डस्ट थी उसकी वजह से, तो आज हमने वो इसमें कर दिया है सॉल्यूशन। तो थोड़ा लैपटॉप हैंग था, उसमें से टाइप नहीं हो रहा था, फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो ये लॉगिन हो गया। तो थैंक यू एंड बाय बाय दिस वीडियो।